नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पटेल स्टूडियो पथरिया के माध्यम से, और आज दिनांक 13/8/2019 आज हम भैया मरिया दो पहुँचे। जे हमारे भैया मथुरा राजपाली जी, जिनके यहाँ हम आ जाए, बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमने इनके लिए यूट्यूब पर सुना और देखा, तो मैंने सोचा कि मरिया दो जाएं और भैया का इंटरव्यू लें। तो मथुरा राजपाली जी, जी आप बताइए, आपको गाने बजाने का शौक कब से रहा? जी मुझे गाने बजाने का शौक तो भाई साहब बहुत छोटे से है जी। और मैं जब स्कूल में पढ़ता था जी जी, तो मुझे गाने बजाने का शौक स्कूल में भी होता था और मैं स्कूल में गाना बजाना भी करता था जी। जब मैं 12वीं क्लास निकला तो मैंने एक कार्यक्रम किया था जी जी 26 जनवरी में जी, मैंने गीत बनाया था गाया था। अच्छा। तो गीत मेरा बहुत हिट रहा है जी और सबने पसंद किया जी। समय से मुझे और ज़्यादा शौक हुई गाने बजाने की जी। मेरा भी एक लक्ष्य है कि तमाम कलाकार अपना अपना नाम और अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम ऊंची जगह पर लेके जा रहे हैं जी जी, जा रहे हैं बहुत से कलाकार हैं। तो मैंने भी सोचा कि हम भी ना कहीं एक ऐसा काम करें कि जो हटके, जो हमारा भी नाम, हमारे गांव का नाम, हमारे समाज का नाम भी ऊंची कहीं जगह पर जाए जी जी। बस मेरा यही प्रयास है, यही लक्ष्य है मेरा जी, और यही उद्देश्य है मेरा। तो फिर मथुरा राजपाली जी जी, आप मुझे एक बात बताइए, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री तो कई हुए हैं जी जी, और कई अभी होंगे भी जी, लेकिन जो अभी तक हमने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जी, अपने जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं जी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जी, मैं उनका तहे दिल से जी, इस हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि हमारे देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत है और ऐसे ही प्रधानमंत्री को चुने। तो आप, हम भी बहुत अच्छे से मतलब उनके लिए अपने हृदय से मानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जी। तो आप हमारे लिए उनके मतलब उपलक्ष में जी एक छोटा सा गीत सुनवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सुनवा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपसे मिलकर। लीजिए, बिल्कुल सुनवाइए। जय भारत माँ, जय बुंदेलखंड। की भ्रष्टाचार की जड़ हला नहीं अपने हिंदुस्तान में, अरे मोदी जी ने मिकवा दो ये सब काला धन मैदान में, मोदी जी ने मिकवा दो ये सब काला धन मैदान में, मोदी जी ने मिकवा दो। कहे ईमान हृदय में उसके, उस सच्ची बात वो करता है, और सच्ची माँ का सच्चा बेटा कहाँ किसी से डरता है, हाँ कहाँ किसी से डरता है। सच्चाई से लड़ने की दम कहाँ किसी बेईमान में, अरे मोदी जी ने मिकवा दो ये सब काला धन मैदान में, अरे मोदी जी ने मिकवा दो। कि सच्चा नेता देशवासियों कभी कभी मिल पाता है, हाँ कभी कभी मिल पाता है, और किसी किसी माँ की गोदी में ऐसा मोदी आता है, हाँ ऐसा मोदी आता है। क्या बात, करती है ये धरती पुकार कई हजारों साल, तब कभी पैदा होता है इस भारत देश में मोदी जैसा लाल। वाह यार क्या बात, कि सच्चा नेता देशवासियों कभी कभी मिल पाता है, और किसी किसी माँ की गोदी में ऐसा मोदी आता है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को बदल दिया शमशान में, अरे मोदी जी ने मिकवा दो ये सब काला धन मैदान में, अरे मोदी जी ने मिकवा दो ये सब काला धन मैदान में, हे मोदी जी ने मिकवा दो। आखिरी बात कि हमें जरूरत है उनके संग कदम से कदम मिलाने की, हमें जरूरत है उनके संग
कदम से कदम मिलाने की, उद्देश्य के हित में आगे आकर भ्रष्टाचार मिटाने की, हाँ भ्रष्टाचार मिटाने की, यही उपदेश लिखा गीता में, यही लिखा है कुरान में। अरे मोदी जी ने मिटवा दो ये सब काला धन मैदान में, हे मोदी जी ने मिटवा दो सब काला धन मैदान में, हे मोदी जी ने मिटवा दो। जय भारत माँ, जय बुंदेलखंड। और आशा है, विश्वास है, आप पसंद करो। और हम भैया प्रेम पटेल स्टूडियो पथरिया के माध्यम से इनका चैनल चलता है, और इन्हीं के चैनल पे हमारे जितने भी कार्यक्रम हम करते हैं, जो भी करते हैं, हम इन्हीं के यूट्यूब पर जाते हैं। तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय भारत माँ, जय बुंदेलखंड। और मथुरा राज काली जी, जी आप हमारे लिए यह बताएं जी कि आपको यहाँ मौसम कैसा चल रहा है अभी हमारे यहाँ? जी हमारे यहाँ तो अभी मौसम कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, बस ऐसा मौसम चलता है हमारे यहाँ। तो हमारे लिए एक गीत और पसंद है जी, सुना था मैंने एक गीत जी, सावन ऐसा कुछ, सावन जैसा साजन होगा ऐसा कुछ, आप सुनवा दीजिए थोड़ी सी एक लाइन में, सुनवा दीजिए जी। जी जी सुनवा दो। कि कब मैं किसी से प्यार करूंगी, हाँ हाँ यही है यही, कब सोला सिंगार करूंगी, कि अगले वर्ष जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, हे सावन जैसा ही हो, सावन जैसा भी हो मेरा, हे साजन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा, साजन कैसा हो।